कि हर लेखक अपनी तीन टॉपिक्स के ऊपर ही बात करता है, जैसे कि एहसास, ख्याल और उसके हालात। तो उन्हीं तीन में से कुछ चुनकर मैं भी अपने लिए लाया हूँ, और वो कुछ ऐसी है। पहली बात करते हैं एहसास की। जब बात होती है एहसास की और प्यार का जिक्र ना हो, ऐसा कहाँ हो सकता। तो लिखी थी कि जिंदगी के पन्नों पे लिखी वह अधूरी सी बात हो तुम, दिल में छुपा वो गहरा जज्बात हो तुम, चाहकर भी जो मुकम्मल ना हुई वो अधूरी मुलाकात हो तुम, मेरी जिंदगी का सबसे सुनहरा ख्वाब हो तुम, अधूरी रह गई दुआओं का पूरा सार हो तुम, मेरी राह के रेगिस्तान में दिखा हो द्वीप जैसे वैसा मिराज हो तुम, मेरी जिंदगी का सबसे सुनहरा ख्वाब हो तुम, किनारे तक चली साथ मेरे वो यादों की नाव हो तुम, जो टिकती नहीं थी निगाहें कभी उन निगाहों का इंतजार हो तुम, ढूंढते हैं हाथ मेरे जिस स्पर्श को उस स्पर्श का एहसास हो तुम, जो कदम कभी साथ चल न सके उन कदमों की आवाज हो तुम, मेरी जिंदगी का सबसे सुनहरा ख्वाब हो तुम। और इसके बाद जरा हालात पे आते हैं। तो हालात, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं, तो ज्यादा कुछ बेहतर रहे नहीं अपने। तो उस पर लिखी थी कि चीखते रहे जिंदगी भर पर सुनने वाला कोई ना था, चीखते रहे जिंदगी भर पर सुनने वाला कोई ना था, आंसू दिखे सभी को हमारे पर पोंछने वाला कोई ना था, सांत्वना दी सबने पर मदद करने वाला कोई ना था, हर किसी के दुख है हम सफर थे हम पर शिकवाए जिंदगी यही कि हमारे जैसा कोई ना था। अच्छा, एक ख्याल था जो, अब बात करते हैं ख्याल की। तो ख्याल कुछ ऐसा था कि दीवारों के बारे में बात करूंगा मैं इसमें, बड़ा ऐसी चीज है जो हमेशा जिंदगी छूट जाती है, लेकिन अगर आप देखें तो जिंदगी का आपने शुरुआत से लेकर अंत तक जो आपके साथ रही, आपके लोगों के साथ आपकी दीवारें ही रही हैं, उसको मैं जरा बताना चाहूंगा किस तरीके से। कि कुछ यूं खेल था दीवारों का, रखी ईंट और डल गई नींव तो बन गया घर दीवारों का, बदला मौसम तो बन गया आसरा दीवारों का, किलकारियां गूंजी जिसमें वो स्थान बना दीवारों का, तलवों की हुई शुरुआत तो झूला बना दीवारों का, बचपन आया सामने तो स्टंप बना दीवारों का, अपने पन से सजा ये आशियाना बना दीवारों का, तैयारियों के जोश में जो बोर्ड बना दीवारों का, मिला परिणाम तो बना रिश्ता सफलता और दीवारों का, जिंदगी का हर लम्हा झूला जिसपे वो एल्बम बना दीवारों का, बड़ा समय और आई जवानी तो हाथों से बदला रंग दीवारों का, जैसे मतलब हाथ पे लाली छापते हैं वैसे, बड़ा समय और आई जवानी तो हाथों से रंग बदला दीवारों का, हर दुख को झेला और फोड़ा माथा दीवारों का, वहीं बचने को काल से एक नया घर बना दीवारों का, शुरू हुआ बुढ़ापा तो यादों का महल बना दीवारों का, आया जो यमराज तो शमशान बना दीवारों का, कुछ यूं खेल खत्म हुआ है खेल सारा दीवारों का। शुक्रिया।